आपको पता है कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल है वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, अर्थात वो एसी होता है, और उससे जो है हम इलेक्ट्रिक मोटर को यूज करते हैं, हीटर को यूज करते हैं, और साथ ही साथ हम लाइट को भी यूज करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जो कि डीसी पर प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। जब हम उन्हें डीसी सप्लाई करते हैं तब जाकर के वो प्रॉपर तरीके से काम करता है, जैसे कि टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो इसका मतलब कि जब भी हमें डीसी सप्लाई की जरूरत होगी तो वहां पर हमें एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना होगा। तो जिस डिवाइस से जो है हम अल्टरनेटिंग करंट को या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जो है डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं उसी को जो है हम रेक्टिफायर कहते हैं। और रेक्टिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं पीएन जंक्शन डायोड। हमें पता है कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ये एक स्विच की तरह बिहेव करता है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो यह एक क्लोज स्विच की तरह काम करता है और डायोड के थ्रू ये करंट को फ्लो होने देता है। जबकि वहीं पर जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो यह एक ओपन स्विच की तरह काम करता है और डायोड के थ्रू ये करंट को फ्लो होने नहीं देता है, ये करंट को रोक देता है। तो यहां पर डायोड का ये जो स्विचिंग एक्शन है इसीलिए हम इसे जो है रेक्टिफायर के तौर पर यूज करते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो रेक्टिफायर होता है यह भी दो तरह का होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है इसमें जो इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उसमें तो ये करंट को फ्लो होने देता है, जबकि वहीं पर जब निगेटिव हाफ साइकिल आता है तो उसमें ये करंट को फ्लो होने नहीं देता है, जिससे कि हमें आउटपुट में जो है वोल्टेज या करंट नहीं मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो है हमें हर एक हाफ साइकिल के बाद आउटपुट में वोल्टेज या आउटपुट में करंट मिलता है, जबकि वहीं पर फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी करंट को फ्लो होने देता है और साथ ही साथ निगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट को फ्लो होने देता है। तो हमें हमेशा जो है आउटपुट में वोल्टेज या आउटपुट में करंट मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर पर और उसके बाद हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर पर। तो अगर आप यहां पर इस सर्किट में देखें तो यहां पर यह है एक ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर का यहां पर यह है प्राइमरी क्वाइल, वहीं पर यह है इसका सेकेंडरी क्वाइल। हमने इस प्राइमरी क्वाइल को जोड़ दिया है एक एसी सोर्स के साथ, यहां से हम एसी सप्लाई कर रहे हैं। और यहां पर ये जो सेकेंडरी क्वाइल है जिसे कि हम सेकेंडरी वाइंडिंग भी कहते हैं, इसके इस सिरे को जो है हमने जोड़ दिया है इस डायोड के, ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, इस डायोड के पी साइड से, जबकि वहीं पर ये जो एन साइड है इसको हमने जोड़ दिया है इस सेकेंडरी वाइंडिंग के इस सिरे से, और बीच में हमने लगा दिया है एक लोड रेजिस्टेंस आरएल। हमें इसी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिलता है। अब जब हम यहां से एसी सप्लाई करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो है यहां पर हमें मिलेगा, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में भी हमें मिलता है अल्टरनेटिंग करंट, अर्थात यहां पर हमें इन दोनों ही सिरों के बीच में हमें मिलेगा एक वोल्टेज, जो कि यहां पर ये भी एसी होगा। तो यहां पर जो हमें इस सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस जो हमें वोल्टेज मिल रहा है जो कि एसी होगा, उसके लिए यहां पर जो है ये रहा स्टैंडर्ड एसी वेवफॉर्म। और जो यहां पर हमें करंट मिलेगा जो कि लोड रेजिस्टेंस के थ्रू यहां से करंट का फ्लो होगा, उस करंट को हम यहां पर इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि ये है अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल। सो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने मान लिया कि यहां पर ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसका ये साइड पॉजिटिव है, जबकि वहीं पर ये जो दूसरा वाला सिरा है इसे हमने मान लिया कि ये है नेगेटिव। अगर ऐसा होता है तो देखें ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इसका पी साइड तो हायर पोटेंशियल पे है, जबकि वहीं पर इसका जो एन साइड है वो लोअर पोटेंशियल पे है।
तो यहां पर ये जो पीएन जंक्शन डायोड होगा ये अभी देखें ये यहां पर फॉरवर्ड बायस में होगा। सो ये जो पीएन जंक्शन डायोड होगा ये यहां पर फॉरवर्ड बायस में होगा। तो अगर ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये करंट को यहां से फ्लो होने देगा, तो करंट जो यहां पर फ्लो करेगा वो करंट यहां पर कुछ इस तरह से यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अगर करंट यहां पर कुछ इस तरह से फ्लो करता है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो है करंट इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सो यहां पर यह हो गया करंट का डायरेक्शन। तो जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहां पर जो करंट का फ्लो हो रहा है ये करंट भी बढ़ता जाएगा। तो यहां पर हमें मिलता है आउटपुट करंट। तो करंट के लिए ग्राफ चलिए बना लेते हैं। सो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा करंट भी बढ़ता जाएगा। जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट जीरो होगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। और अब देखिए यहां से वोल्टेज ये घट रहा है तो करंट भी यहां पर घटेगा। सो करंट यहां पर कुछ इस तरह से ये करंट यहां पर घटता चला जाता है। और इस समय देखिए वोल्टेज जीरो हो गया तो करंट भी यहां पर जीरो हो गया। इसके बाद देखिए तो ये अगला हाफ साइकिल आएगा जिसे कि हम निगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं। जैसे ये निगेटिव हाफ साइकिल आएगा वैसे ही यहां पर ये अपना पोलैरिटी बदल देगा। अब यहां पर जो है ये साइड हो जाएगा निगेटिव और यहां पर ये साइड हो जाएगा पॉजिटिव। अब जैसे ही ऐसा होगा वैसे ही अब देखिए यहां पर इस पीएन जंक्शन डायोड का ये जो पी साइड है ये अब लोअर पोटेंशियल पे हो गया है और एन साइड हायर पोटेंशियल पे हो गया है। दैट मीन अब ये फॉरवर्ड बायस में नहीं होगा बल्कि ये यहां पर हो जाएगा रिवर्स बायस में। और हमें पता है कि रिवर्स बायस में ये करंट को फ्लो होने नहीं देता है, ये करंट को रोक देता है। तो इसका मतलब यह है कि अब यहां से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। सो करंट यहां पर बंद हो जाएगा। तो यहां पर देखें इतनी देर तक ये हाफ साइकिल रहेगा तो इतनी देर तक यहां पर हमें कोई भी वोल्टेज आउटपुट के तौर पे नहीं मिलेगा, या कहें आउटपुट के तौर पर कोई भी करंट नहीं मिलेगा। सो यहां पर देखें इतनी देर तक कोई भी यहां पर करंट का फ्लो नहीं होता है। अब जैसे ही फिर से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा वैसे ही यहां पर देखें फिर से ये साइड पॉजिटिव हो जाएगा जबकि वहीं पर ये वाला जो साइड है ये निगेटिव हो जाएगा। और जैसे ही ऐसा होगा वैसे ही यहां पर फिर से करंट का इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो यहां पर हमें फिर से ये करंट कुछ ऐसे मिलता है। और जैसे ही फिर से ये निगेटिव हाफ साइकिल आएगा वैसे ही यहां पर करंट हमें जीरो मिलेगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें करंट मिला आउटपुट में जबकि वहीं पर इस हाफ साइकिल में हमें यहां पर करंट नहीं मिलता है। फिर जैसे ही अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है फिर से हमें करंट मिलता है। तो हर एक हाफ साइकिल के बाद यहां पर हमें आउटपुट में वोल्टेज या करंट मिल रहा है। तो यहां पर हमें आधा ही मिल पा रहा है आउटपुट में और आधा नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए इसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसमें हम एक डायोड यूज नहीं करते हैं बल्कि हम दो डायोड यूज करते हैं। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो यहां पर देखें फिगर में तो यहां पर भी एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर का ये जो प्राइमरी क्वाइल है इससे हम यहां पर एसी सप्लाई कर रहे हैं और वहीं पर इसका ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके इस ऊपरी सिरे को जो है हमने एक डायोड D1 के जो है पी साइड से जोड़ दिया है, जबकि इसका जो ये निचला वाला सिरा है इसे हमने डायोड D2 के जो है पी साइड से जोड़ दिया है। अब डायोड D1 और D2 का ये जो एन साइड है इसे हमने क्या किया, इसे हमने यहां पर आपस में ही जोड़ दिया। अब यहां पर देखें ये एक लोड रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है, इसके एक सिरे को जो है हमने यहां पर ये जो एन साइड जोड़ा गया है उससे हमने जोड़ दिया, जबकि वहीं पर इस लोड रेजिस्टेंस का ये जो दूसरा वाला साइड है इसको हमने यहां पर ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग आपको दिख रहा है इसके यहां पर हमने सेंटर से जोड़ दिया है। अब यहां पर जब हम इस प्राइमरी क्वाइल में एसी सप्लाई करेंगे तो यहां पर सेकेंडरी क्वाइल में भी हमें
करंट मिलता है जो कि अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। तो यहां पर इन दोनों ही सिरों के बीच में हमें एक वोल्टेज मिलेगा जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा। तो उसके लिए यहां पर ये रहा एसी वेवफॉर्म, और यहां पर ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट का फ्लो होगा उसको हम यहां पर प्लॉट करेंगे, और हम ये देखेंगे कि ये डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जो कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, उसी को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो अभी मान लेते हैं कि यहां पर ये जो हाफ साइकिल है जिसे कि हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये जो साइड है ये ऊपरी वाला ये है पॉजिटिव, और वहीं पर ये वाला जो है ये है नेगेटिव। अगर ऐसा होता है तो देखें ये जो पीएन जंक्शन डायोड D1 है ये फॉरवर्ड बायस में होगा, सो यहां पर ये फॉरवर्ड बायस में होगा क्योंकि इसका जो पी साइड है वो हायर पोटेंशियल पे है और इसका ये जो एन साइड है वो लोअर पोटेंशियल पे है, तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा। जबकि वहीं पर ये जो डायोड D2 है ये रिवर्स बायस में होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो पी साइड है वो लोअर पोटेंशियल पे है, तो डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में नहीं होगा, ये रिवर्स बायस में होगा। तो अभी करंट जो है करंट यहां पर कोशिश करेगा कुछ ऐसे यहां पर फ्लो करने का, कुछ इस तरह से करंट फ्लो करने का कोशिश करेगा, और यहां पर आने के बाद करंट दो भागों में टूटेगा, एक इधर और दूसरा इधर। लेकिन अगर आप देखें तो करंट यहां से ऐसे फ्लो नहीं कर सकता है क्योंकि ये रिवर्स बायस में है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर करंट का फ्लो नहीं होगा। जो भी करंट यहां से आएगा वो करंट सीधा यहां पर ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसके थ्रू यहां पर फ्लो करेगा। तो यहां पर करंट जो है करंट कैसा फ्लो हो रहा है, करंट यहां पर देखें इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू कुछ यहां पर इस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो यहां पर ये साइड पॉजिटिव होगा और ये साइड नेगेटिव होगा, तो यहां पर हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अब यहां पर देखें तो जितनी देर तक ये हाफ साइकिल रहेगा उतनी देर तक यहां पर हमें करंट मिलेगा आउटपुट के तौर पर। तो यहां पर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा, और जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, जब वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा, जब वोल्टेज जीरो तो करंट जीरो। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा ये वाला नेगेटिव हाफ साइकिल, जैसे ही आएगा वैसे ही यहां पर ये अब अपना पोलैरिटी बदलेगा। सो अब ऊपर वाला साइड होगा नेगेटिव और नीचे वाला साइड होगा पॉजिटिव। अब जैसे ही ऐसा होगा वैसे ही अब यहां पर सिचुएशन बदल जाएगा, अब ये वाला यहां पर हो जाएगा रिवर्स बायस में, जबकि वहीं पर ये वाला जो है डायोड D2 अब ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। अब अगर ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो अब ये जो है कंडक्ट करेगा जबकि वहीं पर डायोड D1 जो है ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब कि ये है कि अब अगर करंट यहां से ऐसे फ्लो होना चाहेगा तो डायोड D2 से तो करंट का फ्लो हो जाएगा, अब यहां तक आने के बाद अगर फिर से ये चाहे हम इस डायरेक्शन में भी फ्लो करें और साथ ही साथ इस डायरेक्शन में भी फ्लो करें, तो फिर ये जो डायोड D1 है ये तो रिवर्स बायस में है, तो ये यहां पर करंट को फ्लो होने नहीं देगा। तो इसका मतलब कि जो भी करंट है वो यहां पर डायोड D2 से होते हुए इस लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू ही फ्लो करेगा। तो करंट एक बार अगर आप फिर से देखें तो इस लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अभी भी अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो उसे हम ऊपर के ही साइड में प्लॉट करेंगे, क्यों? क्योंकि करंट ने अपना डायरेक्शन बदला नहीं है, करंट अभी भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में इस हाफ साइकिल में करंट फ्लो किया था इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू, उसी डायरेक्शन में इस हाफ साइकिल में भी करंट फ्लो कर रहा है। अब जैसे ये वाला हाफ साइकिल आएगा वैसे ही फिर से प्रोसेस रिपीट होगा और फिर से यहां पर कुछ ऐसे हमें आउटपुट में करंट मिलता है, और फिर जैसे ये आएगा वैसे ही फिर से हमें आउटपुट में कुछ इसी तरह का करंट यहां पर मिलता है। तो अगर आप देखें तो लगातार हमेशा करंट इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट ने अपना डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं किया है, इसीलिए हम इस करंट को यहां पर डायरेक्ट करंट कहते हैं, इसे हम DC कहते हैं। तो इस तरह से हमें आउटपुट में डायरेक्ट करंट मिलता है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि इस हाफ साइकिल में भी हमें आउटपुट में करंट मिला और इस हाफ साइकिल में भी हमें यहां पर आउटपुट में करंट मिल रहा है, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस समय डायोड D1 कंडक्ट किया,
इस समय डायोड D2 कंडक्ट किया और फिर यहां पर डायोड D1 कंडक्ट किया, फिर यहां पर डायोड D2 कंडक्ट करता है। तो ये प्रोसेस लगातार यहां पर चलता रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में जो है हम जो हाफ वेव रेक्टिफायर के पीछे का मैथमेटिक्स है उसको हम डिराइव करेंगे, जो कि BSc वालों के लिए होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।